तो इस यंत्र से खास तरह की ऊर्जा निकलती है जिससे जीवन उल्लासित हो जाता है कि आप देवी की कृपा इस तरह से पाने लगते हैं कि आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, काम करते हैं और फिर भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। देवी की कृपा इस बात का ध्यान रखती है। जो इंसान खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बनाता है उसे न तो असफलता या गरीबी की चिंता सताती है और न ही उनके अंदर जीवन या मृत्यु का डर रहता है। अगर वो सिर्फ खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बना ले तो वो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी जिसे लोग खुशहाली समझते हैं। सतगुरु ने लिंग भैरवी के अलग अलग रूपों की रचना की है जिनसे आप अपने घर में एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान तैयार कर सकते हैं। पारंपरिक तौर पर यंत्र उन रूपों को कहा जाता है जिन्हें एक खास तरह का लाभ उठाने के लिए तैयार किया जाता है। लिंग भैरवी यंत्र एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे आपके जीवन के हर पहलू में खुशहाली आने लगती है। इसकी ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील हो जाने से स्वाभाविक तौर पर स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी मिलने लगती है। जब आपको यंत्र दिया जाता है तो सद्गुरु आपको एक प्रक्रिया में दीक्षित करके आपको देवी की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद यह विशेष रूप से आपके लिए प्राण प्रतिष्ठित किया गया यंत्र बन जाता है और इस यंत्र को छूने पर देवी की कृपा आपके भीतर से काम करने लगती है। तो देवी और उनके सारे स्वरूप यानी अलग अलग यंत्र जो उपलब्ध हैं, देवी से जुड़ी सभी चीजों का उद्देश्य यही है कि आप देवी की कृपा इस तरह से पाने लगते हैं कि आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, काम करते हैं और फिर भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। देवी की कृपा इस बात का ध्यान रखती है। तो इस यंत्र से खास तरह की ऊर्जा निकलती है जिससे जीवन उल्लासित हो जाता है। हम आपको ऐसे बहुत से मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण दिखा सकते हैं कि जीवन ऊर्जा के उल्लासित होने पर आपके भीतर की हर चीज अच्छे तरीके से काम करती है। आपका शरीर अच्छी तरह से काम करता है, मन अच्छी तरह से काम करता है, आपके आसपास की दुनिया अच्छी तरह से चलती है, आपके प्रति लोगों के भाव व प्रतिक्रिया अच्छी होती है, स्थितियाँ अच्छी प्रतिक्रिया देती हैं। इस बात को हम कई अलग अलग तरीकों से स्थापित कर सकते हैं। तो वो उल्लास वो एक खास तरह का होता है क्योंकि उसमें एक विशेष तरह का गुण होता है, उसे हम देवी कहते हैं। लिंग भैरवी गुड़ी देवी का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली रूप है। गुड़ी 3 इंच ऊंचाई वाले एक तांबे के छोटे से मंदिर में विराजमान है। इस गुड़ी को आप अपने घर में, ऑफिस में या फिर अपने यात्राओं के दौरान भी अपने साथ रख सकते हैं। लिंग भैरवी गुड़ी के माध्यम से आप हर जगह देवी की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अपने भीतर देवी की कृपा को काम करने देंगे तो आपका जीवन उल्लास, उत्साह व आनंद से भर उठेगा। When I came to the Isha Yoga Center, when I experienced the Dhyanalinga, it was a very grounding experience of, you know, it felt like it settles you, it makes you feel grounded. But when you enter the Linga Bhairavi temple, it's exuberant. It gives you this kind of energy, and I think that vibrance is what is very infectious. I think I had a strong feeling that I wanted to bring Linga Bhairavi Devi home, and then I knew that there is this opportunity which the Isha Yoga Center offers, where you can take a Linga Bhairavi idol, and you can invite the goddess herself home. Linga Bhairavi Yantra is actually a technology. Once you get it home, you get to share the grace of the Linga Bhairavi Devi with everyone. At the same time, keeping a personal connect with the idol and the lingam.